सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी जो है शाम का टाइम है, मैं आ चुका हूँ छत पे। और जो इससे पिछले वाला वीडियो मैंने डाला था, जिसके अंदर मैंने दो नए जोड़े का आप लोगों को शौक कराया था, कुछ लोगों का कमेंट ऐसा आया था कि भाई हम लोग भी नए जोड़े लगा रहे हैं, जोड़ा नहीं लग रहा है, क्या किया जाए। कुछ लोगों का कमेंट ऐसा था कि भाई ब्रीडिंग वाले कबूतरों को कैसा फीड देना चाहिए। ये जो है गाइस, सुबह मैं जंगली कबूतरों के लिए दाना डाल के जाता हूँ, यही बचा हुआ है। सेम दाना जो है इस टाइम अपने भी कबूतर को मैं दे रहा हूँ, जो है सिर्फ और सिर्फ बाजरे। इतने टाइम से अपने कबूतर सिंगल है, लेकिन अब बारी आ चुका है ये लोग का मिक्स फीड स्टार्ट करने का। तो जो आपका कमेंट था कि भाई अपने जोड़े वाले कबूतरों को हमें कैसा फीड देना चाहिए, वो मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, क्योंकि जल्द ही मैं मिक्स फीड स्टार्ट कर दूंगा। तो मिक्स फीड कैसे बनाना है, क्या देना है, कैसे देना है, सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल में जो लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि भाई जोड़ा नहीं लग रहा है, बताओ जोड़ा कैसे लगाएं। तो देखो मैं डायरेक्ट चलता हूँ अंदर। और यहाँ पे आप लोगों के सामने ही है, तो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया ही था कबूतरों का जोड़ा लग जाएगा। मैं उनकी पेटी को जो है ओपन कर दूंगा, जिससे कि कबूतर अंदर बाहर कर सकता है। और जितने भी कबूतरों का जोड़ा अभी नहीं लगा है, वो पेटी बंद है या फिर उनका कैरेट मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, जिससे कि कबूतर बाहर ना निकल सकें। और बट गाइस, यहाँ पे जो एक पेटी है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इसके अंदर जो कबूतर है उनका जोड़ा लग चुका है। लेकिन बंद करने का रीज़न ये है कि भाई जो ये हमारा वाइट फैंटेल कबूतर है ना, ये बहुत आरामी है। जैसे ही देखता है इसके अंदर चला जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। और अभी क्या है, जोड़ा नया है, तो अगर बार बार ये चीज़ होगा ना तो जोड़ा टूट जाएगा, इसीलिए मैं इनको बंद करके रखता हूँ। देखो नहीं तो गाइस, ये लोग का जो जोड़ा है ये लग चुका है अच्छे से। बट क्या है, ये वाइट फेंटेल अगर अंदर जाके बार बार ऐसे लड़ाई झगड़ा करेगा तो कबूतर का जोड़ा अभी नया है, डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ पे एक कबूतर है बॉर्डर वाला, इनका भी जोड़ा लग चुका है, लेकिन भाई ये फीमेल बाहर क्यों है, ये देखो अभी गाइस इनका प्रॉपर जोड़ा नहीं लगा है। फीमेल जो है बार बार बाहर आ जा रही है। मेरे को सुबह के टाइम में ऐसा लगा था कि इनका भी जोड़ा लग गया था, तो मैंने कैरेट ओपन कर दिया था। अब आते हैं टॉपिक पे, जो लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई हमारे कबूतरों का जोड़ा नहीं लग रहा है, आप जोड़ा कैसे लगाते हो मुझे बताओ। तो भाई सब कुछ आपके सामने ही है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कि भाई जोड़ा कैसे लगाना है। जो भी कबूतरों का आपको जोड़ा लगाना है, मेल फीमेल को, आपको कुछ दिनों तक उनको एक साथ बंद करके रखना पड़ेगा, ये देखो। और गाइस इसके अंदर तो कुछ ऐसे भी कबूतर है जिनका जोड़ा पहले से लगा हुआ था, जैसे कि देखो ये फीमेल है जो अंदर बैठी हुई है, इसका जोड़ा पहले से लगा हुआ था एक मेल के साथ, वह भी इधर ही है, ये रहा, ये मेल के साथ मैंने जोड़ा लगाया हुआ था। और कबूतर भले ही मैंने सिंगल कर दिए थे, बट ये लोग जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक साथ ही रहते थे। फिर भी जो है कबूतर सिंगल हो जाता है तो आप किसी और के साथ भी जोड़ा लगा सकते हो, कबूतर जोड़ा ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये जोड़ी देखो, ये जोड़ी के बारे में भी जो है मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम पे ये कबूतरों का जोड़ा नहीं लगा था। जो है धीमे धीमे अपने सारे ही कबूतर जोड़ी ले लेंगे। ये भी गाइस बहुत ही प्यारा जोड़ा है, इसके अंदर जो पट्टी है वो हमारे कमग्गर कबूतर की है, और ये छापे में नर है, काले छापे में। और ये जितने भी कबूतर आप लोग देख रहे हो, ये सबका जोड़ा लगाना मैंने एक साथ ही स्टार्ट किया है। लेकिन आप लोग नोटिस करो, कुछ कुछ कबूतर जो है जोड़ा अच्छे से इन लोग का लग चुका है, और कुछ कुछ कबूतरों का जोड़ा अभी तक नहीं लगा है। जैसे कि यहाँ पे ये जोड़ी के बच्चे का भी गाइस मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार है। ये जो पट्टी लगी है, जो फीमेल है, ये मेरे घर की पट्टी है अपने लाल बाजरे कबूतर की, इसके भी बच्चे का मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है, अभी तक इनका भी जोड़ा नहीं लगा है। फिर हमारा लाल बाजरा कबूतर है, इसका भी जोड़ा नहीं लगा है। यहाँ पे एक मेल है रेड आइस में, उसका मैं जोड़ा डाल रहा हूँ कमग्गर फीमेल के साथ, उसका भी जोड़ा नहीं लगा है। तो ये चीज़ होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कबूतरों को बंद करके रखने लग गए तो दो दिन में जोड़ा लग जाएगा। कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि वो एक दिन में भी जोड़ा ले लेते हैं, कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो भाई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आप कबूतर का जोड़ा लगाते हो तो उनको कुछ दिन आप ऐसे ही बंद करके रखो, दाना पानी के टाइम पे खोल दिया करो, और फिर दोबारा जब कबूतर दाना पानी कर ले, थोड़ा फ्रेश हो जाए, घूम फिर ले, तो उनको दोबारा आप ऐसे ही बंद करके रख दो, उसका जोड़ा लग जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को अभी समझ में आ गया होगा। अब बारी है अपने सभी कबूतरों को बाहर निकालने की, बाहर भी निकालते हैं। सबसे पहले जाल के अंदर आ ही गया हूँ, तो जो कबूतर बंद है इनको बाहर निकालते हैं। चलो भाई
एक बार गाइस सबका जोड़ा लग जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। फिर क्या है, सब कैरेट ओपन रहेगा, मुझे बार बार ऐसे कबूतरों को खोलना नहीं पड़ेगा। चलो भाई देखो, ये तो पुराना कबूतर था, मैंने यहाँ पे हाथ रखा था तो भी निकल गया। इसके साथ जो फीमेल लगा रहा हूँ वो भी आ गई, उसका भी मैं आपको शौक कराऊंगा, बट अभी नहीं क्योंकि जोड़ा इन लोग का नहीं लगा है। बहुत ही प्यारी नारी है। और ये गाइस मैं पट्ठे से ही लेके आया हूँ। जो है मैंने सभी कबूतरों को पेटी से भी निकाल दिया है जो कैरेट के अंदर बंद थे, अभी बारी है ये लोग को बाहर निकालने की। ये पानी वाला जो बर्तन है ये भी निकाल लेता हूँ मैं। चलो भाई यादव, और गाइस जो साइड में दाना मैंने आप लोग को दिखाया था कि जो जंगली के लिए मैं थोड़ा सा सुबह के टाइम में डाल के जाता हूँ, वो जो बचा हुआ दाना है वो वेस्ट नहीं जाता है। जब शाम के टाइम पे ये सब खुलते हैं ना तो सबसे पहले वही दाना खाते हैं। देखो कुछ कबूतर वहाँ पे खाने में लगे हैं, कुछ कबूतर यहाँ पे, तो वही जो दाना थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है वही खा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने रोटी भी डाल दिया है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि भाई जब आप जोड़ी लगाते हो तो कबूतरों के अंदर क्या देखते हो, हड्डी जोड़, कबूतर की आँखों की क्वालिटी, क्या चीज़ देखते हो, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, हम लोग जितने भी कबूतरों का जोड़ी लगा रहे हैं उनका हड्डी जोड़ ये सब कुछ भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। जितने भी कबूतर हैं सब कबूतर हमारे उड़ाए हुए हैं, रिजल्टेड कबूतर हैं, इनका उड़ान ऐसा है, फीमेल ऐसी है, तो उस अनुसार से हम लोग जोड़ा लगा रहे हैं। इसमें ऐसा एक भी जोड़ा नहीं रहने वाला है कि कबूतर मतलब कहीं से भी लाया और जोड़ी में डाल दिया, ऐसा नहीं रहने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा मेल है जिसको मैंने उड़ा के नहीं देखा है, वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। और बाकी सभी कबूतरों को गाइस, मैक्सिमम कबूतरों की उड़ान मैंने देखा हुआ है, और जो कुछ कबूतर इसके पास से आए जिसका मैंने उड़ान नहीं देखा है उसका उड़ान इसने देखा है, और उसके बच्चे भी उड़ा के देखा हुआ है। तो काफ़ी रिजल्टेड कबूतर है इस बार जितने भी जोड़ी में जा रहे हैं। वो सनी रामपुरी में नर कहाँ है वो देखो गाइस, यहाँ पे जो ये मेल है ना, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा मेल है जिसको जिसकी उड़ान मुझे नहीं पता, बट जो फीमेल में लगा रहा हूँ इसको भी मैं उड़ा के देख चुका हूँ। ये तो मेरे घर की ही पट्टी है, इसके माँ बाप भी मेरे ही पास हैं। ये देखो, ये एक गाइस ऐसा मेल है जिसको मैंने उड़ाया नहीं है, नहीं तो बाकी के जितने भी कबूतर जोड़ी में जा रहे हैं सभी कबूतर रिजल्टेड हैं। एक ये जोड़ी है, इसको तो मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, बहुत ही पुराना जोड़ा है इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है और हटाना भी नहीं है, ठीक है। ये देखो, इस बार हमारा मेन टारगेट यही है कि भाई अच्छे अच्छे उड़ान के पट्ठे हमारे पास तैयार हो जो अच्छे खासे परफॉर्म करें, और हमेशा यही ट्राई होता है। लेकिन गाइस कई बार जो है हमसे भी गलती होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, और बच्चे जो है उतना अच्छा खासा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो इस बार देखते हैं उनका बच्चा कैसा आएगा। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही, आई होप जिन लोगों का डाउट था कि भाई कबूतरों का जोड़ा नहीं लग रहा है कैसे लगाना है, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।